नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बहुत सारे सवाल आए शिवपाल यादव को लेकर, अपर्णा यादव को लेकर, डिंपल यादव को लेकर, लेकिन एक ऐसा खुलासा हुआ है दर्शकों जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सनसनीखेज खुलासा ही आप इसको समझें, वो इसलिए क्योंकि तमाम लोगों की निगाहें और चर्चा इस बात पर आ गई हैं कि मल्लिकार्जुन, माफ़ कीजिए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन अपर्णा यादव का क्या होगा? अपर्णा यादव को लेकर इसलिए चर्चाएं हो रही हैं, वो सवाल ये हैं कि क्या वो वापसी करेंगे, क्या वो जो है क्या फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ चले आएंगे, क्या बीजेपी से बगावत कर लेंगे, क्या उनसे इस्तीफा दे देंगे। इन तमाम सवालों पे आऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2022 का विधानसभा चुनाव तो आपको याद होगा, उसी वक्त अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और यादवों वोट बैंक का फर्क पड़ा था समाजवादी पार्टी को। लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसके बाद से अब सवाल जो है बेहद ही दिलचस्प होने लगा है कि आखिर ये सवाल क्या रहेगा, क्या रुख रहेगा इन तमाम चीज़ों का, इसको लेकर कैसे देखती हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अपर्णा यादव को, जिस तरह से उसकी बयान आई है, इसको मुलायम सिंह परिवार के यादव से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। दुख का माहौल था, पराये भी शामिल होते हैं तो वो भी शामिल होना उनका लाजमी था इसी वजह से, लेकिन इसको इसलिए देखना कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शायद वो वापसी कर लेंगी, छोड़ देंगे उनका दामाद, मुझे कहीं से नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए वो सोच कर समझ कर बूझ कर ही बीजेपी में गई हैं। हाँ, जहाँ तक जिम्मेदारियों का बात है तो जिम्मेदारियों का एक अलग सिलसिला है कि चलिए ठीक है वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि आज न कल तो बीजेपी जिम्मेदारी उन्हें देंगी, लेकिन ये सवाल उठाना कि भाई जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा है, जानकार ये कह रहे हैं कि शायद वो अपर्णा जो है वापसी कर सकती हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो वापसी कर सकती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, शायद बीजेपी उन्हें जिम्मेदारियाँ दे ना दे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अपर्णा यादव जिस मनसूबे से, जिस इरादे से आई हैं, वापसी करना नामुमकिन लग रहा है। बहरहाल, अब इस बीच में ये देखना होगा कि अखिलेश यादव का रोल क्या रहता है, चचा शिवपाल का क्या रहता है, क्योंकि अभी एक सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, 39 जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, जिसमें से अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल को गायब कर लिया, फिर आप किस उम्मीद पर सोच रहे हैं कि अपर्णा को लेकर वो कुछ सोच रहे होंगे। यानी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए हैं, परिवार को ये करने की बात हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के जो रुख रवैये हैं उससे ये नहीं लग रहा कि शायद एक हो भी सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़। नमस्कार।